अल्लाह फरमाते हैं यमहुकुल्लाहु रिबा, सूद से माल घटता है, सूद से माल घटता है। मैंने $1 मिलियन अमेरिका में बैंक में रखवा दिया, साल बाद मुझे $1,00,000 नफा हुआ। मेरी बीवी ने कहा मुबारक हो नफा हुआ है, मैंने बैंक में देखा नफा हुआ है। मैं वहां गया बैंक से $1,00,000 निकाले, अभी भी $1 मिलियन पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ नफा, गिन भी रहा हूँ, मेरे बच्चों ने गिना। अल्लाह कह रहे हैं सूद से माल घटा, मैं अल्लाह कैसे मान लूं सूद से माल घट रहा है? मेरे हाथ में पैसे पड़े $1,00,000 ज्यादा, आप कह रहे हो घट रहा है। फिर अल्लाह फरमाते युरबिस सदकात, सदके से माल बढ़ता है। मैंने $1,00,000 में से $50,000 सदका किया, मेरा माल कम हो गया। बीवी ने देखा, बच्चों ने देखा, मेरी नॉलेज ने, मेरी आंख ने देखा, मेरी अकल कह रही है माल कम हो, अल्लाह कह रहे हैं माल बढ़ रहा है। ये टेस्ट है हमें जो अल्लाह ने दिया है, ये आंख, ये कान और ये अकल, इसको खोल लो तुम्हें कुछ और नजर आएगा। और इसको खोलना ये कायनात की सबसे मुश्किल मेहनत है। इतना डिसीट है आंखों का, इतना ये धोखा है। और ये क्यों हुआ था कि जब इबलीस ने अल्लाह से बात की और इबलीस को अल्लाह ने कहा सजदा कर आदम अलैहिस्सलाम को, उसने कहा मैं नहीं करता, तो अल्लाह ने कहा दफा हो जाए यहां से, قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين, दफा हो जाओ मरदूद यहां से और क्यामत तक तेरे मुंह पर लानत। तो उसने अल्लाह से कहा قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون, ए मेरे अल्लाह मुझे क्यामत तक का मोहलत दे दे, मैं लोगों को गुमराह करूं। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दे दी, जा तू कर जो करना है। उसने अल्लाह से क्या कहा मैं क्या करूंगा? قال ربي بما أغويتني لأزينن في الأرض ولأغوين أجمعين, ए अल्लाह जैसे तूने मुझे गुमराह किया है मैं तेरी सारी मखलूक को गुमराह करूंगा, उनको दुनिया खूबसूरत बना के दिखाऊंगा। गाड़ी नई खरीदेंगे 1 महीने का मजा, इसको बदलो। मोबाइल 1 महीने का मजा, इसको बदलो। दुनिया की कोई चीज ले लो, जो मर्जी आपको पसंद हो। मैं सबसे गुजर के आ रहा हूं, चंद दिनों का मजा है। वो मच्छर काटता है ना, खुजली होती है, उस वक्त खुजली करता है, वो जख्म करता है ना। उस शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला मैं भी तेरी कसम खाता हूं कि मैं तेरे बंदों गुमराह करूंगा, उनको दुनिया ये खूबसूरत बना के दिखाऊंगा। और जो इस दुनिया, क्योंकि दुनिया यहां से तो अच्छी लगती है, मैं भी डुबकी मार के आ रहा हूं, लेकिन जिसकी यहां खुली हो ना आंख, जिसका अकल यहां खुली हो और जिसके कान खुले हो, तो अल्लाह की कसम बता खा रहा हूं मैं कि इंसान कभी भी, जो आज हालात हैं बहुत बुरे हैं।